हेलो साथियों, नमस्कार। बीएनजी ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। कई बार शिक्षा विभाग के पास आवेदन देकर लगाई गई गुहार, 9 माह के बाद भी प्राचार्यों का वेतन नहीं हुआ चालू। 369 अभ्यर्थी चयनित हुए, 6000 पदों के लिए आए थे आवेदन। 31 दिसंबर 2022 को इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा लेकर चयनित किया था। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों की हुई नियुक्ति। विभागीय स्तर पर हो रहा अनुभव का सत्यापन का काम। प्राचार्य योगदान करने वाले उनके अनुभव पत्र सत्यापन का काम संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय में शुरू हुआ। जिला शिक्षा के सभी प्रचार अनुभव प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग भेज दिया। अब शिक्षा विभाग अपने सत्यापन करेगा। सत्यापन काम पूरा होने के बाद ही प्रचार वेतन शुरू होगा। बिहार प्रधान सेवा संघ के पिछले 9 महीने से हम वेतन का इंतजार करें, लेकिन अभी वेतन शुरू नहीं हो पाया है। आकलन परीक्षा में 25% पारा शिक्षक फेल। यह है रांची का न्यूज। इसके बाद यूपी के 57 जिले मॉडल कंपोजिट स्कूल बनेंगे। 1,93,000 अभ्यर्थी देंगे ऐसा 23 भर्ती परीक्षा प्रयागराज में। बीपीएससी 79 में पीटी आज, अफवाहों से रहे दूर। फोटोग्राफ मिलान के बाद ही मिलेगा हॉल में प्रवेश। पटना जिले के 176 स्कूलों में ही एजेंसी के जरिए आए शिक्षक। 426 विद्यालय में 404 में विषयवार शिक्षकों की कमी से हो रही परेशानी। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू करनी थी। रसायन शास्त्र में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी। बिहार के बच्चे किताब पढ़ने में राष्ट्रीय औसत से आगे। सर्वे में रिपोर्ट से निकली ये सारी बातें। पाठ्य पुस्तक को अच्छे से समझ कर पढ़ पाते हैं बच्चे। अक्षरों की पहचान और 50% बच्चे कर पाते हैं। हर विषय किताब के अध्याय की पहचान कर पाते हैं। अभ्यास दिए गए सवाल का जवाब अध्याय में खुद ढूंढ लेते हैं। स्कूल में बेकार सामान से कई मॉडल तैयार कर लेते हैं। चेतना सत्म के अनुसार पाठ में शामिल होते हैं बच्चे। तैयारी, बिहार में 24,000 पुलिसकर्मी की भर्ती होगी। तो ये सब जो है सो आज का हेडलाइन है, न्यूज है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।